सो नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रवाल। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे HEIIM यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। देखिए, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आना चाहते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के एक्सपोर्टर्स हो और कौन से टाइप्स के इम्पोर्टर्स हो। ये जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट निकालोगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, या IEC निकालो, RCMC निकालो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तब हर एक जगह पे आपको आपका टाइप मेंशन करना पड़ता है। तो देखिए, आप अगर ये बिजनेस में आना चाहते हो, तो पहले तो आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस में कितने टाइप्स के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स होते हैं। देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर देना इतना सिंपल नहीं है। बिजनेस करने के साथ आपको काफी नॉलेज भी होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हो। काफी लोग बिजनेस करते भी है, उसको खुद नहीं पता कि वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये व्यापार में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मेन चार तरह के टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहले आप देखने जाए तो मर्चेंट एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हो सकता है। उसके बाद आप देखने जाए तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स हो सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स हो सकता है। और उसके बाद सर्विस बेस्ड एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हो सकता है। मेन ये चार टाइप के लोग होते हैं हमारे ये व्यापार में, एक्सपोर्ट के और इम्पोर्ट कर में। अभी आपको मैं बता दूं, मेरा जो टाइप है, मैं खुद भी एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, राइट? तो मुझे मेरा टाइप पता होना चाहिए। अभी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। देखिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर इम्पोर्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मेरी कैटेगरीज क्या है, मेरा रोल क्या होता है? देखिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर का मतलब होता है कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता कोई आइटम की, वो आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। जैसे मैं सारी आइटम जो इंडिया से एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं मेरी आइटम किसी से बनवाऊंगा, मेरे लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसमें ब्रांडिंग भी मेरी जाएगी, उसमें सारी कंपनी की डिटेल भी मेरी जाएगी। मैं मैक्सिमम ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मेरे मैन्युफैक्चरर का नाम कहीं पे ना आए, मेरा नाम ही आए। तो वो प्रोडक्ट को मैं अपने नाम से पहले बनवाता हूँ, फिर वो बनवाने के बाद में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोला जाता है मर्चेंट एक्सपोर्टिंग। सेम चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हो इंडिया में, आप खुद उसको मेन कंज्यूम नहीं करते, आप उसको खरीदने के बाद मेन उसमें कोई प्रोसेस नहीं करते हो, प्रोडक्ट आप किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हो, तो सेम चीज़ आप मर्चेंट इम्पोर्टर भी कहलाते हो। तो पहला टाइप ये होता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई चीज़ आउटसोर्सिंग करनी है, आप खुद नहीं बनाते, तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की कैटेगरीज में आते हो, तो आप ये सिलेक्ट करिएगा। नाउ द सेकंड टाइप इज मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। ये जो है स्टेटस, ये जो टाइप्स है, इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर जो बनाता है वही उसको एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज बनाता हूँ तो वही चीज को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वो मेरी जो कैटेगरी है, जो मेरा टाइप्स है, वो है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। अभी कोई चीज मैं इंडिया में इम्पोर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्यूमिनियम स्क्रैप इम्पोर्ट किया इंडिया में, तो इम्पोर्ट करने के बाद वही एल्यूमिनियम को मेरी खुद की फैक्ट्री में मैं लेके जाता हूँ और उनमें से कोई आइटम बनाता हूँ, तो वो जो मेरा टाइप है वो है मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर का। तो आप कोई भी सामान बनाते हो और वो बना के खुद एक्सपोर्ट करते हो, या आप कोई भी सामान इम्पोर्ट करते हो और उनमें से खुद वो चीज में से कुछ बनाते हो, तो आपका जो टाइप होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स का। नाउ द थर्ड वन इज प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। ये आगे के दो टाइप को काफी लोगों को पता होते हैं, पर ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप है, आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आज के दिन देखने जाए तो आपने अदानी का नाम सुना है, ठीक है? तो अदानी है वो, आप देखने जाए तो बॉम्बे का एयरपोर्ट ओन करते हैं वो लोग, अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी ओन करते हैं। मतलब वो जो एयरपोर्ट है उसमें जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कुछ भी काम है, वो सारा किसको हैंडल करना है, अदानी का। एक्चुअली में प्रॉपर्टी देखने जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पर उसमें जो भी आगे का काम है वो हैंडल करता है अदानी का पूरा प्रोजेक्ट। तो ऐसे हमारे बिजनेस में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि इंडस्ट्रीज बनानी है, वो इंडस्ट्रीज बनानी है, तो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए आपको कोई मशीनरीज लाने हैं, आपको कोई आदमी लाने पड़ेंगे, आपको कोई भी चीज लानी पड़ेगी बाहर से,
तो सारा अंडर द वन प्रोजेक्ट काम हो जाता है। तो हमारे बिजनेस में एक टाइप होता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर का और इम्पोर्टर का। अगर ये स्टेटस आपको चाहिए तो आपके पास देशों दुनिया में काफी कॉन्टेक्ट होने चाहिए, आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है वो आपको पता नहीं होगा। तो आपके पास बड़ा नॉलेज है तो आप प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स भी बन सकते हो। नाउ द फोर्थ वन टाइप इज सर्विस एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। देखिए ये जो टाइप है, ये टाइप में क्या आता है कि आप इंडिया से बाहर कोई सर्विसेज देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्टर हो तो आप अपने पेशेंट को बाहर कुछ ना कुछ आप उसको सलाह देते हो। तो ये जो सर्विस के बदले अगर वहां से कोई आदमी आपको पैसा देता है तो ये सर्विस बिजनेस में आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी इंडिया में आईटी कंपनी है, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो और बाहर की कंट्री में आप उसको बेचते हो, राइट? तो इसके बदले बाहर से जो पैसा आता है, तो ये जो सारी चीजों को भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के पर्पज में भी काउंट किया है, उसको सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोला जाता है। तो आप अगर ये इंडस्ट्रीज में आना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप्स के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हो। तो जरूर आज के दिन आप पता कर लीजिए ये सारी चीजों के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बताया है, और आज के दिन अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके ये बिजनेस में आगे बढ़िए। तो ज्यादा ऐसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज लेने के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और आने वाले दिनों में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।